कहता हूं। और कई बार मिट्टी जब कुमार उस सुराई को बनाता है ठंडे पानी की, तो कई बार कहता है कि मैं तुम्हें सुराई बना रहा हूं, और एक क्षण ऐसा आता है कि वह पक करके तैयार हो जाती है और उसमें ठंडा पानी डाल दिया जाता है जो हजारों लोगों लाखों लोगों की प्यास बुझाता है। एक दीपक बना दिया जाता है जिसमें लौ लगती है और वो अंधेरे को दूर करने में सक्षम हो पाती है। और इसमें सारा भारतवर्ष और ये पंजाब और ये चंडीगढ़, ये सब कुछ, उन सब की निगाहें आप पर हैं कि क्या गुरु कहते हैं और ये क्या करते हैं। और ऐसा ही इस गुरु पूर्णिमा के अवसर पर हमें अनुशासन में तो रहना ही है, मगर अनुशासन का मतलब ये नहीं है कि आप बंधे हुए रहें। हाथ पर आपके बंधे हुए नहीं है, आपकी जबान को कोई बांधा नहीं है और कोई बांध भी नहीं सकता। मैं पहला हूं कि बांधेगा तो सबसे पहले मैं उनको तोड़ दूंगा। पुज गुरुदेव की वंदलिया माता जी की हर हर महादेव। इसलिए श्लोक के पहले पंक्ति में भी यही बात कही गई है कि गुरु पूर्णिमा के अवसर पर अपने शिष्यों को और शिष्यों से बढ़कर पुत्र समान, पुत्र से भी बढ़कर प्राण, प्राण से बढ़कर धड़कन जो सामने बैठी हुई है, प्रत्येक धड़कन आपकी धड़कन है, मेरी कोई धड़कन नहीं है। प्रत्येक चेतना आपकी चेतना है, आप हैं और आप मेरे अंदर हैं। और जब आप मेरे अंदर हैं तो डेफिनेटली मैं फिर आपके अंदर हुई, फिर आप में कोई कमी है ही नहीं, किसी प्रकार कमी हो ही नहीं सकती। इसलिए अनुशासन का मतलब बंधा हुआ बात के नहीं कह रहा हूं, आप बंधे हुए रहें, आप उछलते हुए रहें, उमंगित रहें, जोश में रहें, जवानी में रहें, अपने आप में पूर्ण चेतना युक्त रहें और मुझे जब मिले तो हजार हजार सूर्यों की तरह दमकते हुए मिले, जिससे कि मैं जिस पर्पज से, जिस उद्देश्य से, जो क्षण, जो कुछ देना है, जिस तरीके से देना है वो दिया है और लोगों ने, शिष्यों ने अपने आप में समर्थता जताई है। और इस गुरु पूर्णिमा तो ये तो एक अद्वितीय गुरु पूर्णिमा होगी जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। वह सब देने के लिए आपके पास आया हूं, मैं स्वयं आया हूं। दूसरी पंक्ति में यही कहा गया है कि व्यास, ये व्यास पूर्णिमा भी है, ये बुद्ध पूर्णिमा भी है। बुद्ध को भी इस दिन ही ज्ञान की चेतना हुई थी, व्यास ने भी इसी दिन से वेद लिखने शुरू किए थे और इसी दिन सैकड़ों सैकड़ों ऋषियों ने दीक्षाएं ली थी, तपस्या के मंत्र लिए थे, साधना की थी और अपने आप में चेतनावान बन गए थे। और भगवान शंकर ने स्वयं इस श्लोक में कहा है कि मैं प्रत्येक उस व्यक्ति में गुरु के रूप में हूं, शिवो हम गुरु हम, मैं शिव हूं, मैं गुरु हूं, यह गुरु स शिव प्रोक्ता, यह शिव स गुरु स्मृतः। यह शिव है वे गुरु हैं, यह गुरु है वह शिव है। यस्याम भेदेन भावेन सतस्याम नरकम गति, इनमें जो भेद करता है उसको दुख प्राप्त होता है, नरक प्राप्त होता है। क्योंकि भगवान शिव तो ऑर्डरदानी है ही, वह तो देखता है, सब कुछ प्रदान करता है। और गुरु को भी इस श्लोक में यही बताया गया है कि वह अपनी सब कुछ उसको प्रदान कर दे शिष्य को और इस प्रकार का अद्वितीय बना दे कि मृत्यु भी उसके सामने आके खड़ी नहीं हो सके, यमराज भी आंख नहीं मिला सके उसके सामने, ऐसा तैयार कर दे। और मैं आपको ऐसा ही करने के लिए आया हूं, मैं आपको उसी तरह से तैयार करने के लिए आया हूं, मैं आपको चेतना और ऊर्जा देने के लिए आया हूं। और इसीलिए बता रहा हूं कि ये चार दिन का प्रत्येक क्षण 24 घंटे सोना भी नहीं है, काम करते रहना है, मंत्र लेने रहना, साथ में सीखते रहना है और अपने आप में आगे जाके मंत्र जाप करने की जरूरत ही नहीं है। ऐसा कोई श्लोक दूंगा भी नहीं, ऐसा कोई मंत्र दूंगा भी नहीं कि आप साधना करें, यही सब कुछ प्रदान करने की क्षमता रखूंगा। मगर आप मेरे साथ में हो, जब आप में नहीं रहे, जब आप मैं बन जाऊं, मैं आप बन जाएं, जब हम दीक्षा के द्वारा जुड़ सके,
जब हम साधक के रूप में बैठे, गृहस्थ के रूप में नहीं बैठे। जब मैं कहूं कि आपको प्रत्येक साधक के रूप में यहां बैठना है, तो फिर दूसरी कोई लकीर नहीं बनती, फिर उसमें फिर दूसरी कोई लाइन नहीं बनती। प्रत्येक के कार्ड लगा है तो लगा है, फिर छोटा है, बड़ा है, बच्चा है, पत्नी है, पुत्र है, बंधु है, बांधव है, कोई भी है। क्योंकि मैं क्या करने जा रहा हूं, ये तो आपको घंटे दो घंटे बाद ही मालूम पड़ जाएगा कि साधक में आपको क्यों पहली बार कह रहा हूं कि आपको साधक बन करके ही बैठना है, दीक्षाओं के साथ बैठना है, पूर्णता के साथ बैठना है, उमंग के साथ बैठना है, जोश के साथ बैठना है और मुस्कुराहट खिलखिलाहट के साथ बैठना है। क्योंकि वे साधनाएं भी जो अत्यंत दुर्लभ हैं, जो अत्यंत आश्चर्यचकित हैं, जो अपने आप में एहसास नहीं कर सकते कि ऐसा भी हो सकता है, इस मंच से ऐसा भी करके बताएंगे कि आप खुद लिखेंगे कि मंत्रों में कितनी ताकत, कितनी क्षमता और साधना में कितनी ऊर्जस्विता है। क्योंकि अदृश्य रूप में भी सैकड़ों ऋषि मुनि योगी आपको देख रहे हैं और यहां पर मंच पर विराजमान देखे हुए हैं, उनको भी हम प्रणाम करते हैं। और इन चार दिनों में वही आंखें आपको दे देना चाहता हूं, जिससे कि अदृश्य रूप में जो देवता और ऋषि बैठे हैं, आप उनको खुद को देख सकें, सिद्धाश्रम के जो सन्यासी हैं उनको भी आप देख सकें और एहसास कर सकें कि यहां कितने लोग सुनने के लिए बैठे हैं। और वही दिव्य दृष्टि देने के लिए मैं आपके पास में आया हूं, वही चेतना दृष्टि आपको देने के लिए आया हूं। वह कुंडली जागरण करने के बाद आप स्वयं जो आपके साथ में, आपके पास में, आपके मंच पर आसपास जो ऋषि योगी यति सन्यासी बैठे हैं, जो सन्यासी शिष्य बैठे हैं, जो सिद्धाश्रम के योगी बैठे हैं, उनको आप उसी प्रकार से देख सकें जिस प्रकार से आप मुझे देखें। वह दृष्टि अपने आप में दिव्य दृष्टि होती है और मैं हर हालत में आपको दूंगा, गारंटी के साथ में दूंगा। बल बल पूज गुरुदेव की, बल बल पूज गुरुदेव की, बल बल पूज गुरुदेव की, वंदनीया माता जी की, सिद्धाश्रम साधक परिवार की, हर हर महादेव। आप मेरे शिष्य हैं और इस बात का मुझे गर्व है, और मैं आपका गुरु हूं, इस बात का आपको छाती ठोक के गर्व महसूस करना चाहिए कि मेरे जैसा गुरु आपके पास में, ये छोटी बात नहीं है। प्रत्येक गुरु अपने आप में नमन योग्य है। संसार में लाखों गुरु हैं और उन लाखों गुरुओं को भी, करोड़ों गुरुओं को भी मैं प्रणाम ही करता हूं, उन नकली गुरुओं को भी प्रणाम करता हूं और उन असली गुरुओं को भी प्रणाम करता हूं। मगर चैलेंज और ज्ञान और चेतना और शेर की दुर्दहाड़ तो वह बोलता है, वह गुरु कहलाता है, वो आपकी रक्षा कर सकता है। पिलपिलाता नहीं है, वो रोता नहीं है, वो गिड़गिड़ाता नहीं है, वो आपको छाती ठोक के कह सकता है कि मैं ऐसा कर सकता हूं तुम्हारे साथ में मंच पर बैठ करके, क्योंकि उसमें हिम्मत और है और क्षमता है और उसके पास ज्ञान की और साधना की शक्ति है, इसलिए बोल सकता है, दो टूक बोल सकता है। क्योंकि आपको कोरा कागज नहीं रखना है और कागज भी नहीं रखना है, आपको सोने का पत्र बना देना है, सोने का पत्ता बना देना है, जिस पे आप जो लिखे वही सही हो जाए ऐसा बना देना है। क्योंकि ये चार दिन है हमारे पास में और इस श्लोक के भगवान शिव ने इस तीसरी पंक्ति में कहा गया है कि इसके लिए तुम्हारा और मेरा रिश्ता बहुत पुराना है। ये पहला नहीं है, पहली बार आप मिले, दूसरी बार मिले, दसवीं बार नहीं मिले, आप कई कई जन्मों से मिले हैं और मेरे पास मिले हैं। मैं आपको आपके पिछले 20 जन्म दिखा सकता हूं, जो भी चैलेंज के साथ आ जाए मैं दिखा दूं कि आपके 20 जन्मों से आप जुड़े हुए हैं। और कब तक आप जन्म लेते रहेंगे, कब तक आप मेरी बात टालते रहेंगे? आपने इस बार या तो नदी के उस पार जाना है या फिर इस पार रह जाना है, बीच में अब कोई स्थिति नहीं रहेगी तुम्हारी मेरी भी। मैं आपको हाथ पकड़ के, कंधे पे बिठा के, सिर पे बिठा करके भी नदी पार मुझे करवा देनी है इस बार, भवसागर की नदी, बीच में नहीं रखना है। और इसके लिए जहां गीत गाया गया, भजन गाया कि ये शिविर तो वास्तव में एक बहाना है, आप आए और कोई तरीका नहीं है, आपको घर से खींच के लाने के लिए मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है। एक शिविर लगा देते हैं, आप खींची हुई चले आते हैं और
पकड़ के लाता ही हूं। आपके मन में कुलबुलाट होती है, जाना है, और इस बहाने के माध्यम से भी मैं अपना कार्य जो मुझे करना है और जिस तरीके से करना है, जो गुरु का कर्तव्य है, जो धर्म है, कि वह अपने अंदर की जितनी शक्ति है, सामर्थ्य है, जो अपनी साधना की तपस्या की जो ऊर्जा है, वह शिष्यों के प्रत्येक शिष्य के ऊपर खर्च कर दे, व्यय कर दे, समाप्त कर दे और उनको सूर्य बना दे, तेजस्वी बना दे। यह पूर्णिमा है, यह श्रेष्ठता है। बल प्रभु गुरुदेव की, बल प्रभु गुरुदेव की, बल प्रभु गुरुदेव की, वंदलिया माता जी की, सिद्धा सुधा परिवार की, हर हर महादेव। और वो संपन्न होती है दो ही तरीकों से, छल से, झूठ से, कपट से, झूठ से नहीं हो पाएगी। हमारे चंडीगढ़ के आयोजकों का एक भी अन्न का दाना व्यर्थ में नहीं खाना है, पाप नहीं करना है। हम साधक बन करके भोजन करेंगे, हम मक्कारी के साथ भोजन नहीं करेंगे, झूठ के साथ उनके साथ भोजन नहीं करेंगे। हम साधक बनेंगे क्योंकि गुरुदेव ने कहा है कि आपको साधक बनना है, आपकी पत्नी को भी साधक बनाना है, आपके बच्चे को भी साधक बनाना है, तो फिर बनाना है। गुरुदेव ने कहा आपको दीक्षा लेनी है, तो फिर आपको लेनी है इसलिए कि मुझे आपको मांझना है, तैयार करना है, तैयार करना है। 3 दिन बाद गुरु पूर्णिमा आ जाएगी, तब तक आपको उस जगह पहुंचा देना है जो उद्देश्य लेकर के मैं दिल्ली से जोधपुर से रवाना हुआ हूं, वह करना है। आप मेरे साथ देंगे तो मैं आपके साथ में हूं, हर मोमेंट, हर क्षण, 24 घंटे आपके साथ हूं, क्योंकि मुझे कर देना है। रोटियां तो हमारे घर में भी हैं, क्यों इनकी रोटियां हम तोड़ेंगे, क्यों पाप अपने ऊपर चढ़ाएंगे, क्यों इनका अन्न खाएंगे, क्यों इनके इस खर्चे के ऊपर नीचे बैठेंगे, हम नहीं बैठना। ये सारा आयोजन जो कुछ दीक्षाओं के लिए और जो कुछ सामग्री के लिए है, ये सारे पैसे इनको लौटा देने हैं, दे देने हैं, जिससे कि और अच्छे से अच्छे शिविर लगा सकें।